रस्सी के जरिए नाला पार करते समय एक किसान की नाले में डूबने से मौत। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में आने वाले ग्राम सिलोटिया में 50 फीट लंबे नाले को रस्सी के जरिए पार करते समय एक किसान की डूबने से मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद ग्रामीणों और पुलिस ने मृतक के शव को नाले से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। लगभग 200 से ज्यादा लोग नाले को रस्सी के जरिए पार करके ग्रामीण अपने खेतों पर जाते हैं और इसी के जरिए वापस घर लौटते हैं, लेकिन प्रेम नारायण नामक किसान इस हादसे का शिकार हो गया और उनकी मौत हो गई। इंदौर जिले के सिप्रा में आने वाले गांव सिलोटिया में यहां के रहने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खेतों में जाने के लिए रस्सी के जरिए खेतों तक पहुँचते हैं। किसान अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे 50 फीट लंबाई के नाले को पार करते हैं, जहाँ अपने खेत से घर की तरफ लौटते वक्त प्रेम नारायण नामक किसान नाले में असंतुलित होकर गिर गया और उनकी मौत हो गई। किसान की मौत के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। यहाँ के सरपंच का कहना है कि इस विधानसभा के विधायक और वर्तमान के मंत्री तुलसी सिलावट से लेकर सांसद तक को नाले के ऊपर पुलिया बनाने के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज एक किसान को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। सरपंच जी, एक हादसा हुआ, क्या नाम था जिनकी डेथ हुई है? उनका नाम था प्रेम नारायण जी पटेल। क्या करते थे ये? कृषि का काम करते हैं। अच्छा, कैसे हादसे का शिकार? हादसे सुबह घर से 6 बजे निकले पाइप लगाने और फिर वापस लौटते वक्त करीब हादसा हुआ सुबह 8 बजे का। जब मुझे सूचना मिली 11 बजे कि प्रेम नारायण जी कहीं गुम हो गए हैं, प्रेम नारायण गुम नहीं होगा, जहाँ तार पे निकलते हैं वहीं पे देखो, मैं आया, हमारे श्याम जी आए, सब गांव वाले भाई तो आए, उन्होंने देखा मेरे समक्ष लाश को निकाली गई। ये रवि भैया भी थे, प्रकाश जी भी थे, हम सब पूरे। तो क्या क्यों क्या मजबूरी है इधर से जाना आना? मजबूरी है कि सब हमारा जो खेती का मेन रास्ता है ये करीब दूसरे अगर रास्ते जाते तो करीब 6 किलोमीटर दूर पड़ता है और पुलिया बनती तो आज हमारे साथ में जो घटना घटी जाना पड़ता मजबूर। ये करीब 10 से 15-20 साल हो गए। कितना गहरा नाला है ये? करीब 10-15 फीट गहरा है। ये शिप्रा नदी में सम्मिलित होता है? हाँ, ये नाला शिप्रा नदी। जनप्रतिनिधि क्या कहना है? जनप्रतिनिधि को हमने आवेदन दिया है, आश्वासन भी दिया, पर अभी तक कोई समस्या नहीं। ये था पुलिया के निर्माण के लिए। इससे पहले कोई हादसा हो चुका है? इससे पहले एक राजस्थानी भेड़ बकरी वाला था, वो शांत हो गया और आए दिन हो सकता है जनहानि और बढ़ सकती है। क्या करेंगे भाई आपके? अब हम तो ये प्रशासन जो करेगी, अब सरकार से लड़ सकते हैं। अब इसके अलावा हम कोई किसान इतना सक्षम भी नहीं कि पुलिया बना ले। 10-15 लाख का खर्चा है। अब कोई पुलिया तो किसान के पास इतना पैसा? मेरा गांव ग्राम सिलोटिया। किस विधानसभा में आता है? सावेर विधानसभा में आता है। आपका नाम? मेरा शुभ नाम है कमल पटेल, सरपंच